I'm very well, Salman. What an absolute pleasure. I'm absolutely honored to have you over. Please have a seat. वाह 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 आया 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 कसम से भाईजान मुझे आज मेरा बचपन याद आ गया आया आपके प्रोग्राम मैंने सचमुच इस तरह देखे हैं जैसे आज के बच्चे टॉम एंड जेरी नहीं देखते वैसे मैंने देखे अमान से हंस हंस के मैं लोटपोट हो जाता था गेंडे की कहानी आया आया टोट मटोट अक्कड़ बक्कड़ और पता नहीं कितने प्रोग्राम और इंडिया फिल्म में जो अभी आपने काम किया उनकी फिल्म में आपने विलन का रोल किया जी और आप विलन भी बने थे तो लगता था कॉमेडी कर रहे हैं वो छाता लेके और वो कुर्सी पे बैठ के खादिम उस फिल्म में माधुरी भी थी हाँ जी माधुरी के साथ काम करके आए हैं वो मेनू नहीं होना था मेनू इन्हें पता कि ये कौन ने पाकिस्तान की आन पाकिस्तान की शान क्या बात सर खादिम खादिम आलानी जनाब सादा जो आप कहेंगे मैं आपके लिए जनाब लेकर आऊंगा आपकी मेहरबानी शुक्रिया क्या खाएंगे बता देना चाय सादी बस सादी कढ़ाई वाली कौन सी होती सर सादी सादी बिल्कुल बिस्किट नहीं नहीं बिस्किट चलो गुड खादिम जाओ अच्छे से काम करना चाय भी लेकर आऊंगा लेकिन सर वो मैंने गेंडे वाली कहानी जरूर सुननी है ये मेरी ख्वाहिश है देखो आप इतने छोटे थे मैं बड़ा था लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये वो पाकिस्तान के स्टार हैं यकीन कीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी कलर दिखाई देते थे वाह पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है हमारा कैसे कैसे सपूत जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है इधर देखो समझ नहीं आ रहा सलमान आई एम सो सॉरी प्लीज डू पार्डन हिम हमारे खादिम को जरा बातें करने का बहुत शौक है एंड ही गेट्स वेरी एक्साइटेड व्हेन ही सीज यू नो पर्सनालिटीज लाइक यू कम ओवर क्या हाल है आपके मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई एम डूइंग बिल्कुल सब कुछ सिलसिला चल रहा है आपको भी हम देखते आ रहे हैं बहुत अरसे से मैं इससे पहले के कुछ और पूछूं मैं चाहूंगी कि हम उस सलमान शाहिद तक जाएं जिसने आगाज किया इस फनी सफर का उसके क्या ख्वाब थे उसकी क्या एस्पिरेशंस थी उसकी क्या ड्रीम्स थी मैं हमेशा सच्ची बात अगर पूछें तो एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर बनना चाहता था मैंने अपने कॉलेज में ही थिएटर भी शुरू कर दिया था डायरेक्ट करना हमारे ज़माने में ये वीडियो वगैरह नहीं था तो इसलिए हमें वो मौके नहीं थे जो आजकल नई नस्ल के पास हैं तो हम उस तरह नहीं कर सकते थे चीज़ें फिल्म बनाने का शौक था इतना अरसा गुजर गया अभी भी वो शौक है और पूरा नहीं हुआ तो आई होप कि वो पूरा हो इंशाल्लाह आपका शौक जरूर पूरा होगा बेगम जान इस घर में मेरा कुछ नहीं होने वाला चार साल से इस घर में नौकरी कर रहा हूँ वही बूट वही पैंट वही शर्ट वही बाव वही मुंह वही बेगम वही फर्नीचर वही पर्दे वही सारा कुछ कोई तरक्की हुई नहीं है जहां था वहीं खड़ा हूं ना दुबई जा सका ना तनख्वाह बढ़ी इन्होंने मुझे कहा था तुम्हें वीजा लगवा के देंगे अयान अली से मिल लेना वो भी नहीं मिल सका क्या तरक्की हुई बताएं मुझे आप खादिम क्या हो गया है भाई तुम्हें क्यों हो उदास क्यों हो परेशान तुम्हारी शक्ल इस वक्त गले हुए अमरूद जैसी लग रही है एक बात कान खोल के सुन ले जब तक ये पाकिस्तान मियां साहब के हाथ में है और मेरे सर पे बबली का साया है कोई तरक्की नहीं कर पाएगा ये मैं आपको बता दूं खादिम तुम अच्छी तरह कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम इस घर के नौकर हो और अब इस घर की मालिकन मैं कदों गया मैं सकारदा दानियाल अजीजा मैं कदों गया सकारदा तलाल चौधरी महमा मैं कदों गया मैं मुस्तफा कमाल हां मैं कदों गया मैं कायम अली शाह हां मैं कदों गया मैं शेख जीदा तितर बितर करना बंद करो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी एक बात कान खोल के सुन ले मुझे अपने सिर्फ पाकिस्तानी होने पे फख्र है जितना प्यारा मुल्क ये है अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं भाई मेरे कहने का मकसद ये था कि शिकायतें करना बंद करो और काम करो आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे उल्टबाजी लाके बहाओ खादिम जबान को लगाम दो मुझे ये बताएं आप मेरी माली मुश्किलात दूर कर सकती हैं बिल्कुल कर सकती हूँ एक 5,000 टूटा हुआ होगा खादिम तुम अच्छी तरह मेरी पॉलिसी को जानते हो कि मैं किसी को ऐसे वैसे पैसे बिल्कुल नहीं देती तो फिर आप मेरी माली इमदाद कैसे करेंगी मुझे पैसे चाहिए
खादिम शायद तुम भूल रहे हो। वो तो एडा प्यारा खादिम कहने ने बंदे का दिल करता आप छुरा लेके गला वट ले। खादिम इस तरह कभी मेरी मम्मी ने मेनू नहीं सी बुलाया। खादिम बात सुनो। जी जी तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा नाम बेगम जान है जी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकती हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें किसी बड़े सियासतदान के घर पर नौकरी पे लगवा सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप तमाम सियासतदानों को जानती हैं? ऑफ कोर्स डार्लिंग। किस किस को? भाई यूं समझ लो कि पूरी की पूरी असेंबली जब तक अपने सर पर मेरा हाथ ना फिरवा ले वो असेंबली में जा नहीं सकते। मैं सभी को जानती हूँ। तभी उनसे कोई फैसला नहीं हो पाता। सारी असेंबली ऐनी लचकदार हो रही है। कैसी बातें करती हैं बेगम जान। आप मुझे किसी भी सियासतदान के घर काम लगवा सकती हैं? यस यस खादिम यस। नौकरी दिलवा सकती हैं? ऑफ कोर्स। मियां साहब से अपने तलाकात कैसे हैं? नहीं नहीं खक खक नहीं नहीं। बात यह है खादिम कि मियां साहब से जो मेरा ताल्लुक है वो कुछ ऐसा है। बताइए। कि ना मैं बता सकती हूँ और ना मैं छुपा सकती हूँ। अच्छा गल तो तक पहुंची है। तो बाय द वे फिर उनका पर्सनल नंबर भी जाती जो होता है वो आपके पास होगा? ऑफ कोर्स था। लेकिन मेरे मियां साहब का नंबर और उनसे जुड़ी हुई तमाम यादों को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया है। पर उसकी कोई वजह भी तो होती है ना कि डिलीट कर दिया सारा कुछ। अब तुम मुझसे इसकी वजह पूछोगे? हाँ पूछूंगा मैं। तो तुमने किम बेकर का इंटरव्यू नहीं देखा? वो अंग्रेजी सहाफी जो है? जी हाँ। बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। अच्छा तो अफगानिस्तान में वॉर को कवर करती रही है। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे मैंने सुना तो है उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा है लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्या कहा उन्होंने, ये आप बता दे मुझे। ऐसी बात कही कि जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। कि पावे तो नहीं मंगले उनको? शर्म क्या, मुझे गुस्सा आता है। वेलना खदा ना मंगलिया उन्हें। बकौल किम बेकर के मियां साहब ने किम बेकर को दोस्ती की ऑफर की। नहीं। हाँ हाँ खादिम। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा। तुम्हारे साथ दोस्ती बहुत खूब निभाऊंगा। ना करो दूरों लगता निछा मारने वाली बकरी रोन रही है। ये किम बेकर को कहा है मैंने? किम बेकर को। वैसे भाई दा भाई ये अपने कानों से सुना या आप वहां पर मौजूद थी? सिर्फ मैंने ही नहीं हाँ। पूरे पाकिस्तान ने सुना है। वो कैसे? किम बेकर ने ये बात टीवी पर बैठकर पूरे पाकिस्तान के सामने की है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से खुद देखा, अपने मकार कानों से खुद सुना। अच्छा हाँ। इधर मतलब मियां साहब को चारों तरफ से घेरा पड़ गया। आप मुझे ये बताएं हाँ। आप मुठ्ठी करें बहुत अच्छा है बेगम जान। हाँ जी ओके वेरी। आप मुझे ये बताएं कि इस घर में आज कौन सी शख्सियत आने वाली है क्योंकि आज मुझे नहीं पता। खादिम आज हमारे घर में पाकिस्तान की एक लिविंग लेजेंड आने वाले हैं। अच्छा जी। जी हाँ एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हाँ? बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट की वजह से बहुत बहुत मकबूल है पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। माशाल्लाह मुझे वो शख्सियत मिलवाएं। कोई और उसके अलावा? हाँ मेरा एक आशिक भी आने वाला है। एक ना कहें 38वां तो मैं गिन रहा हूँ। तुम जलते हो क्या? नहीं मैं कौन सा प्रेशर कुकर हूँ। व्हाटएवर डार्लिंग बट लेट मी वॉर्न यू। यस। जो मेरा आशिक आ रहा है ना वो कौन है? वो एक पहलवान है। पहलवान। उन्हें कैंची पा ली ना तो थोड़ा मुंह ना मैं तुम दसा कैंची वर्गा हो जाना। चंदा तू मेरे मुंह की नहीं अपने मुंह की फिक्र करो क्योंकि तुम्हारी जबान कैंची की तरह बहुत तेज तेज चलती है और अगर तुम्हें पहलवान साहब के सामने कोई ऐसी बात कह दी जो उनको पसंद नहीं आई तो तुम्हारा तो बहुत बुरा होने वाला है। खुदा दा वास्ता मैं उन्हें जरूर कहनी है। पहलवान दे अपने बच्चे दा हासे च मनका तो दो मेरा मुन्ना उखो पहलवान दी आओ गे दुमची मारी आओ पे। Well, on a brighter, lighter note, आज इस घर में मेरी डिजाइनर भी आने वाली है। वो कौन जी? नोनी। नो? नी। ना नो तो ना नी। अच्छा नोनी कर रहे हो? देखो घंटी बज रही है। हाँ। जरूर मेरे मेहमान आ गए होंगे। ठीक है। बहुत इज्जत से लेकर आना। जरा मेरा भी तारफ करवा दीजिएगा। Of course, बहुत एहतराम से। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए खादिम। परफेक्ट। आप कह रही थी कि वो लेजेंड है? ऑफ कोर्स। उससे भी बढ़कर कोई नाम देना चाहिए उन्हें। और मैं जब छोटा सा था उनका देखता था टोट बटोट अक्कड़ बक्कड़ और पता नहीं कितने और वो उनसे आज मैंने गैंडे की कहानी तो सुननी है। और वन एंड ओनली सलमान शाह उनको अहमक आदमी उनको बाहर क्यों खड़ा किया है? जल्दी से अंदर लेकर आओ सर आप आइए तो। ओह माय गॉड।
सर, सर, अस्सलाम वालेकुम।